अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 10th फिज़िक्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इससे पहले मैं बात करूँगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात करूँगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से क्या मुराद, कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक यूनिट मास हो, ग्रेविटेशनल फील्ड में एक यूनिट मास हो, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा उस पॉइंट पे जो उस इक्वल होगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पॉइंट पे वो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक यूनिट मास रखा गया, उस पॉइंट पे यूनिट मास की जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, वो इक्वल होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ग्रेविटेशनल फील्ड की मैंने बात की, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट पे एक यूनिट मास रखा जाएगा, उस पॉइंट पे जो यूनिट मास रखा है वहाँ पर उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। ज़ाहिर है ज़मीन से मैंने उठाया कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके आया तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड ही है, यहाँ पे इस कमरे में ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैंने उठाया यहाँ तक लेके आया, अब इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसका क्या होगा, जो इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की वो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमारे पास यूनिट चार्ज है, यहां पे यूनिट मास लेना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम एक यूनिट चार्ज लेंगे, एक यूनिट चार्ज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट चार्ज जो रखा गया उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल होगा उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पे यूनिट चार्ज रखा गया, वो यूनिट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, जो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे क्या होगा, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये इक्वल होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन के इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये इक्वल होगा वो अमाउंट ऑफ वर्क के जो हमने किया इन्फिनिटी से बाहर से कहीं लेके आए उस पॉइंट तक, जो हमें वर्क करना पड़ा वो उस इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसे इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लेके जाना, जिस पॉइंट पे लेके जाएंगे हमें जो वर्क करना पड़ा बाहर से इन्फिनिटी से लेके आते हुए उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, वो वर्क डन के इक्वल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी क्या बात कर रहा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, नेगेटिव प्लेट,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं, हमें इल्म है ये। अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से बाहर से लेके आना हमने यहाँ पर इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं बाहर से कहीं इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आया, जो मुझे वर्क करना पड़ा इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि बाहर से चार्ज पे वर्क करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे ले जाएं, जिस पॉइंट पे लेके गए वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। गिव्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर हमें वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा। अब मैंने लेट किया, मेरे पास एक क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज जिस पे मैंने वर्क किया डब्ल्यू, यही है डेफिनेशन के मुताबिक अमाउंट ऑफ वर्क डन। मैंने वर्क किया उस चार्ज के ऊपर, क्यू चार्ज के ऊपर, इन्फिनिटी से बाहर से कहीं मैं लेके गया उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, अगर मेरे पास क्यू चार्ज है मैं इन्फिनिटी से बाहर से लेके जा रहा हूँ इस पॉइंट पे वर्क डन W करते हुए, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू W ओवर Q, ये होगा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इज इक्वल टू W ओवर Q। ये शो कर रहा है कि W वर्क किया गया एक चार्ज Q पर फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लेके जाने के लिए, तब V इज इक्वल टू W ओवर Q। जो V है हमारे पास, ये V रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है W ओवर Q। इसके सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या होंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन SI, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट क्या होंगे, वो यूनिट होंगे जाउल पर कूलम, जाउल पर कूलम इसके यूनिट हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। अब मेरे पास लेट किया के जो चार्ज है वन कूलम्ब चार्ज पे मैंने वर्क किया है वन जाउल, वन कूलम्ब चार्ज है और उस पे वर्क किया वन जाउल, वर्क करके मैं उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गया, तब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। यानी 1 वोल्ट को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, हम यूं कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट इफ 1 कूलम्ब चार्ज, वी ब्रिंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू एन अदर पॉइंट बाई द अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा किसके इक्वल होगा, 1 जाउल के इक्वल, तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट किस तरह होगा, 1 वोल्ट कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट उस वक्त होगा कि हमारे पास व्हेन 1 जाउल ऑफ वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, जब हम 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आए कि 1 जाउल वर्क किया, तब जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। यानी 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट जब हमारे पास 1 कूलम्ब चार्ज है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना हो तब हमें वर्क करना पड़ता है, चार्ज को मूव करवाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसने खुद ही मूव कर ही जाना, कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे एक चार्ज पड़ा उसने तो रिलीज कर या खुद ही लोअर पोटेंशियल पे चले जाना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे खुद ही करना होता है काम। जिस तरह यहां से ये बोर्ड मार्कर पकड़ी हुई, इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इस जो कमरे का नीचे फर्श है, तो मैंने छोड़ा, मैंने फेंका नहीं, जस्ट रिलीज किया, ये खुद ही मूव कर रहा है कि किस तरफ, ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ, जिस तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैंने नीचे से उठाना है इसे यहां से अपने हाथ से, तो मुझे वर्क करना पड़ रहा है, ये मैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क कर रहा हूं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करना तो खुद से वर्क करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर लेके जाना वर्क करना पड़ा, ऊपर से नीचे खुद ही आएगा। इसी तरह यहां पे कि हमने 1 कूलम्ब चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना है तो वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क किया वो 1 जाउल है, 1 कूलम्ब चार्ज है, तो
हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। किस तरह? 1 वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज कितना है वो 1 कूलम्ब है और वर्क कितना करना पड़ा 1 जाउल 1 कूलम्ब। यूँ 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल ओवर 1 कूलम्ब। यानी हमने 1 कूलम्ब चार्ज पे 1 जाउल वर्क किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ समत में, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ समत में, तब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट का इक्वल होगा। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल ओवर 1 कूलम्ब। यानी 1 कूलम्ब चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके गए, 1 जाउल वर्क करना पड़ा, तब हमारे पास आ गया 1 वोल्ट। अब इससे आगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है। जो पॉजिटिव होती है वो हायर पोटेंशियल पे होती है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पे। ये हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल, और ये जो है लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमें इल्म है, नेगेटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये रहा। अब एक मेरे पास चार्ज है क्यू चार्ज, यहाँ पे इस पॉइंट पे पड़ा है ए पॉइंट पे, जो कि हायर पोटेंशियल पे है। एक पॉइंट ये है बी, ये लोअर पोटेंशियल पे है। एक चार्ज है क्यू जो कि हायर पोटेंशियल पे है ए पे, एक चार्ज है बी यहाँ पे। ए पॉइंट पे जब चार्ज है वो हायर पोटेंशियल पे है, बी जो है ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये पॉइंट है, चार्ज नहीं लिया अभी, ए भी एक पॉइंट है, चार्ज लेना है, ए पॉइंट पे लेंगे। तो चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज है, ये मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जिस तरह ये मैस बोर्ड मार्कर ने मूव किया नीचे की तरफ, हायर पोटेंशियल पे था लोअर की तरफ जा रहा, इसी तरह चार्ज को जब रिलीज करेंगे वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ए पॉइंट पे जो उसका पोटेंशियल है वो वी ए है, और बी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल वी बी है। वी ए ए पॉइंट पे पोटेंशियल है और बी पॉइंट पे उसी चार्ज का पोटेंशियल बन जाएगा वी बी। तो मैं इनर्जी की अगर बात करूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यहाँ पे जो इनर्जी है उसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनर्जी ए पॉइंट पे वो क्या होगी क्यू वी ए, और बी पॉइंट पे क्या होगी, इनर्जी की बात कर रहा हूँ, क्यू वी बी। ए पॉइंट पे क्यू चार्ज की इनर्जी क्या होगी क्यू वी ए, बी पॉइंट पे उसी चार्ज की जो इनर्जी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनर्जी वो क्यू वी बी होगी। मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, जब मैं इनका डिफरेंस लूँगा तो मेरे पास अमाउंट ऑफ वर्क जो है इनर्जी की आ जाएगी, का ये इनर्जी कितनी रिलीज करेगा, इनर्जी इनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। क्यू इधर भी है इधर भी है, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ये इनर्जी है, इसे किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे डब्ल्यू से। यही था वर्क डन, वर्क का भी यूनिट जो है जाउल होता है, इनर्जी का भी जाउल ही होता है, तो ये जो है W के इक्वल आ गया, W इज इक्वल टू क्यू वी ए माइनस वी बी। ये हमारे पास आ गया रिलेशन के A पॉइंट पे जो इसकी पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए है, और B पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी है, चार्ज Q है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनर्जी A पॉइंट पे क्या होगी क्यू वी ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनर्जी बी पॉइंट पे क्या होगी क्यू वी बी। मैंने दोनों का डिफरेंस लिया, क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी ये इनर्जी देगा हमें, तो क्यू दोनों में से कॉमन ले लिया इनर्जी वर्क की फॉर्म में, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी ए माइनस बी। ये हमारे पास इसने इनर्जी दे दी जो कि सप्लाई करेगा, इनर्जी सप्लाइड बाई या चार्ज, ये वो इनर्जी है जो चार्ज सप्लाई कर रहा है, इनर्जी सप्लाइड बाई या इनर्जी सप्लाइड बाई आ चार्ज, ये वो एनर्जी है जो चार्ज सप्लाई कर रहा है हमें, कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाएगा तो चार्ज हमें एनर्जी जो है प्रोवाइड करेगा देगा। अब लेट किया रिलेशन हमारे पास क्या आया, W इज इक्वल टू क्यू वी ए
माइनस वी बी। लैट की आके जो चार्ज है वो वन कूलम्ब है, वन कूलम्ब चार्ज है, तो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू क्यू की जगह वन आ जाएगा, यानी वन लिखने की ज़रूरत ही नहीं, वन ने जब मल्टीप्लाई होना वहीं सारा आ जाना, वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। ये वाला हमारे पास आ गया जब चार्ज जो है वन कूलम्ब है। इसका मतलब जब चार्ज वन कूलम्ब होगा तो इनर्जी किसके इक्वल होगी, डायरेक्टली उनके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। यानी दो पॉइंट्स हैं, वन कूलम्ब चार्ज अगर फ्लो करे तो हमने देखना है कि इनर्जी कितनी वो हमें देगा, उन दोनों को पोटेंशियल का हमने डिफरेंस ले लेना तो उतनी हमें वो इनर्जी देगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन वन कूलम्ब चार्ज, जब एक कूलम्ब चार्ज लिया। इस रिलेशन से ये सारा मैंने किया ही इसलिए है कि बता सकें कि दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम पोटेंशियल, ए पॉइंट का भी पोटेंशियल हमें पता है वी ए, बी पॉइंट का भी पोटेंशियल पता है वी बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी इल्म है हमें, तो चार्ज क्यू था, इनर्जी हमें कितनी मिलेगी अगर चार्ज वन कूलम्ब हो जाए तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, जो कि हमें इल्म है कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए था, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी था, तो इनर्जी सप्लाई कितनी करेगा अगर वन कूलम्ब चार्ज होगा तो उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ए माइनस वी, ये हमें इनर्जी सप्लाई करेगा बाई द चार्ज, यानी ये इनर्जी हमें चार्ज ने देनी है। वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एज द एनर्जी सप्लाइड बाई अ यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड में मूव करेगा, जब कोई चार्ज डायरेक्शन ऑफ फील्ड में मूव करेगा तो ये हमें इनर्जी देगा। जिस तरह टर्बाइन से पानी गिराया ऊपर से पानी गिराया जाता है पहाड़ों से, टर्बाइंस चलती हैं तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आ रहा होता, यानी इनर्जी देगा वाटर हमें, हमें नहीं वाटर पे वर्क करना पड़ेगा, वाटर हमें इनर्जी देगा। यहाँ पे भी यही है, जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो अब चार्ज ने इनर्जी देनी है, वो इनर्जी किसके इक्वल होगी अगर वन कूलम चार्ज हुआ तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी। जब हमें इल्म है कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वी ए है, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी है, इन दोनों का जब डिफरेंस ले लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस देगा हमें क्या, वो इनर्जी जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज हमें देगा वो उनके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी। ये हमने पढ़ा। और एक बात, अगर हम चार्ज को फ्रीली मूव करवाएं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये बात कन्फर्म है उसने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना, जिस तरह पानी ऊपर से नीचे की तरफ खुद ही आ जाता है, ऐसा ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज ने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद ही वर्क करना है। ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।